हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधिका राठी, आई वेलकम यू ऑन एनवीरा ऑनलाइन स्कूल। सो टूडे वी विल स्टार्ट आवर कंटिन्यू पार्ट ऑफ आवर फोर्थ चैप्टर फॉर क्लास थर्ड। तो हम अपना कंटिन्यू पार्ट करेंगे, कौन सा? फोर्थ चैप्टर फॉर क्लास थर्ड, बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने यह पढ़ा था कि हाथों को कैसे वॉश करना चाहिए। तो कैसे वॉश करना चाहिए, हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था कि हमें अपने हाथों को कैसे वॉश करना चाहिए। तो हम कैसे वॉश करेंगे अपने हाथों को? वेट योर हैंड्स विद क्लीन वाटर। अपने हाथों को सबसे पहले गीला करेंगे साफ पानी से, उसके बाद साबुन लेके उस पर रगड़ेंगे। कितने टाइम? 20 to 30 seconds। एंड क्लीन इन बिटवीन द फिंगर्स। उसको क्या करेंगे? बिटवीन के बीच, अंगुलियों के बीच से साफ करेंगे, और नेल्स से रिस्ट तक, कलाई तक। एंड वॉश अवे द शॉप, और हाथ धो लेंगे, साबुन को धो लेंगे। कैसे? साफ पानी से। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वॉश योर हैंड्स। धोना चाहिए कब? हाथों को। तो हमें हाथों को कब धोना चाहिए? वॉश योर हैंड्स, हाथों को कब धोना चाहिए? फर्स्ट वन इज बिफोर टचिंग एंड ईटिंग फूड। बिफोर मीन्स के पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है? के पहले, टचिंग मीन्स टच करना, एंड ईटिंग मीन्स खाना फूड। तो बिफोर टचिंग एंड ईटिंग फूड, तो हमें हाथों को कब धोना चाहिए? जब हम खाने को, भोजन को है वह टच करते हैं और खाते हैं, उससे पहले हमें हाथों को धो लेना चाहिए। क्यों धो लेना चाहिए? नहीं तो हमारे हाथों में जो डर्टी हैंड्स होते हैं उसमें जर्म्स होते हैं, और वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, जिससे हमें डिजीज हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, है ना? इसीलिए हमें हाथों को वॉश करके खाना खाना चाहिए। आफ्टर यूजिंग अ टॉयलेट, आफ्टर मीन्स के बाद, यूजिंग मीन्स यूजिंग अ टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद हैंड को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर क्लीनिंग द हाउस, क्लीनिंग मीन्स साफ करना, घर की सफाई करते हैं हम लोग, जालाई के झाड़ू पोछा ये सब वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, तो सफाई करने के बाद भी हाथों को धो लेना चाहिए। आफ्टर टचिंग एन एनिमल, आफ्टर टच मीन्स छूना, एन एनिमल किसी भी जानवर को टच करके छूने के बाद भी हाथों को धो लेना चाहिए। After visiting a sick person, after visiting means जाना, a sick person एक बीमार person, एक बीमार व्यक्ति के पास में जाते हैं, तो उसके बाद भी हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। After playing in the park and after using a vehicle, after playing means खेलना, in the park, पार्क में खेलने के बाद, और Using a vehicle, जब हम वहाँ पे किसी की यूज़ करते हैं, किसकी? Vehicle means वाहन को, like a cycle, motorcycle, bicycle, जो भी को हम टच करते हैं, उससे बाद हाथ धोने चाहिए। Next, never leave food uncovered. Never means कभी नहीं, leave means छोड़ना, food को uncovered means बिना ढके, अनकवर्ड मीन्स बिना ढके, कवर नहीं किए हुए। तो भोजन को कभी भी बिना ढके नहीं रखना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर मक्खियाँ वगैरह आती है, बिन बिन आती है, तो उससे बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज डू नॉट स्नीज और कफ ओवर द फूड। डू नॉट मीन्स नहीं करना, स्नीजिंग मीन्स छींकना, स्नीज मीन्स क्या होता है? छींक आना, छींकना, और कफ मीन्स खांसी होना ओवर द फूड। तो कभी भी फूड के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? खांसी नहीं लेनी चाहिए और छींक नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमें खाने के ऊपर छींकना नहीं चाहिए और खांसी नहीं खानी चाहिए। क्यों करना, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? क्योंकि जब हम खांसी खाते हैं, जब हम छींक आती है, तो हमारी छींक के साथ में कुछ वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जो छींटे होते हैं छोटे छोटे, वो गिरते हैं, वो फूड के ऊपर आने से उस पर जर्म्स होते हैं, और जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बीमार कर देंगे। इसीलिए कहते हैं खाने के ऊपर कभी भी छींकना नहीं चाहिए।
Use a handkerchief to cover your mouth while coughing and sneezing. उपयोग में लेना. Handkerchief means रुमाल. Handkerchief means क्या होता है? रुमाल. To cover your mouth, अपने मुंह को cover करना. जब coughing means खांसी आना and sneezing means छींक आना. तो जब हमें छींक आती है, खांसी होती है, तो हमें अपने मुंह पर क्या यूज़ करना चाहिए? रुमाल यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, दे कैन हाइड जर्म्स. ट्रिम मीन्स कट करना, ट्रिम मीन्स काटना. योर नेल्स, अपने नाखून को रेगुलरली काटना चाहिए. क्यों? इसके क्या है? हाइड हमें बचाते हैं, छुपाते हैं. किससे? जर्म्स मीन्स रोगाणुओं से हमें बचाते हैं, छुपाते हैं. सो व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर? वी सी इन दिस पिक्चर अ वन बॉय स्नीजिंग एंड यूज ऑफ हैंकरचीफ. यूज ऑफ हैंडकरचीफ, तो एक लड़का क्या कर रहा है? खांसने और छींकने से पहले यूज कर रहा है माउथ पे हैंडकरचीफ, रुमाल को. एंड देन व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है अ वन मदर कट नेल्स फ्रॉम फॉर आवर चिल्ड्रन. अ बॉय, एक लड़की की मम्मी है ये क्या कर रही है? इसके नेल्स को कटिंग कर रही है. आपके भी आपके मम्मी नेल्स कटिंग करते हैं? करते हैं ना? यस, हमारे भी हमारी मम्मी नेल्स कटिंग करती है. एंड देन इज सी पिक्चर्स. व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर? वी सी इन दिस पिक्चर अ बॉय इज रेडी फॉर गो टू स्कूल. नेक्स्ट, बाथिंग रेगुलरली. बाथिंग मीन्स बाथिंग. बाथिंग मीन्स नहाना. बाथिंग मीन्स नहाना. रेगुलरली मीन्स रोजाना. तो हमें रेगुलर क्यों नहाना चाहिए? रोजाना क्यों नहाना चाहिए? टेकिंग बाथ रेगुलरली. टेकिंग बाथ रेगुलरली कीप्स द जर्म्स अवे फ्रॉम द स्किन. रोजाना नहाने से कीप मीन्स रखता है द जर्म्स अवे फ्रॉम द स्किन. अवे मीन्स दूर रखना. स्किन मीन्स चमड़ी. स्किन मीन्स चमड़ी. तो रोजाना नहाने से हमें हमारी स्किन को दूर रखता है. किससे? जर्म्स मीन्स रोगाणु से. तो जब हम हमेशा नहाते हैं तो इससे क्या होता है? हमें रोगों से मुक्ति मिलती है. हम रोगों से मुक्त रहते हैं, रोगाणु से मुक्त रहते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द हैंड्स, आर्मपिट्स, फीट, ग्रोइन, बैक, बेली बटन, एल्बो एंड नीज शुड बी क्लीन. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के सभी भाग. हैंड्स मीन्स हाथ. आर्मपिट्स, आर्मपिट्स मीन्स, आर्मपिट्स मीन्स क्या होती है? बगल. क्या होती है? बगल, जिसको क्या बोलते हैं? काक. काक भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्मपिट्स. फीट मीन्स पैर. एंड ग्रोइन, ग्रोइन मीन्स, ग्रोइन मीन्स क्या होता है? पेट और जांग. हमारी पेट व जांग, जिसको हम थाई बोलते हैं, उसके जांग के बीच का भाग. ग्रोइन मीन्स क्या होता है? हमारा ये जो पेट है और ये जांग है, उसके बीच का जो भाग होता है, उसको साफ रखना चाहिए. बैक मीन्स पीछे से. बेली बटन, बेली बटन हमारे टमी में होता है. हमारे टमी में एक गोल गड्ढा होता है, उसे बोलते हैं बेली बटन. एल्बो, कोहनी एंड नीज, घुटना शुड बी क्लीन्ड. क्लीन्ड मीन्स साफ होना चाहिए, साफ रखना चाहिए. तो हमारे शरीर के सभी भाग कौन कौन से? हाथ, पैर, बगल, जिसे हम बोलते हैं काख.
ग्रोइन पेट और जांग के बीच का भाग, बेली बटन, एल्बो, नीज, इसको हमें क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए. यूज अ शॉप फॉर दिस. यूज मीन्स उपयोग लेना चाहिए शॉप साबुन को. इसके लिए, किसके लिए? इन सबको साफ करने के लिए साबुन को यूज करना चाहिए. कीप योर हेयर कॉम्ब्ड, टाइड एंड ब्रेडेड. कॉम्ब शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर पर्सन. हमारा जो कीप मीन्स रखना, योर हेयर कॉम्ब जिसे क्या बोलते हैं, कंगा, क्या बोलते हैं जिसे, कंगा, उसको क्या करना चाहिए, बंधे हुए और लट से. बाल जब गुच्छे होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो उसे क्या होना चाहिए, टाइड एंड ब्रेडेड नहीं करना चाहिए. उस कंगे को क्या रखना चाहिए, एकदम साफ रखना चाहिए. एंड कॉम्स, कॉम्स मीन्स कंगा, शुड नॉट, नहीं देना चाहिए, शायर में किसी को नहीं देना चाहिए, दूसरे लोगों को. तो हमारा जो हम जिससे कंगे से, जिस कॉम से हम बाल बनाते हैं, वो कॉम किसी और को नहीं देना चाहिए, किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए. क्लीनिंग आवर होम. क्लीनिंग मीन साफ करना. आवर होम, हमारे होम को साफ करते हैं हम, घर की सफाई करते हैं हम. क्यों करते हैं? आप लोग भी करते हो, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं. When we are clean, our surroundings should also be clean. When, जब, we are clean means साफ. Our surroundings means हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ. Should also be clean. तो जब हम साफ होते हैं, तो हमारे आसपास का एरिया जो होता है, वह भी साफ होना चाहिए. Should also be clean. You should help your parents to keep your house clean and tidy. You should, आप करना चाहिए. हेल्प मीन्स सहायता करनी चाहिए. योर पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा की, टू कीप योर हाउस क्लीन, अपने हाउस को क्लीन मीन्स साफ करना. एंड टाइडी मीन्स गंदे होने से बचाना. क्लीन मीन्स स्वच्छ, टाइडी मीन्स साफ. तो हमें हमारे घर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए. करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना. आप लोग भी करते हो, अगर नहीं करते हो तो करने चाहिए, क्योंकि घर को साफ रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली सिर्फ मम्मी की नहीं है. हम सब भी तो वहाँ रहते हैं, तो हमें भी उस घर की साफ सफाई करने में हेल्प करनी चाहिए. After cleaning, the houses are decorated also. After means के बाद. Cleaning, सफाई करने के बाद. The houses means घरों को. Decorated means सजाना. Decorate means सजाना. तो जब हम घर को अच्छे से साफ सफाई करते हैं, उसके बाद घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, करते हैं. We feel happy if our home is क्लीन. वी फील, वी मीन्स हम, फील मीन्स महसूस करना, फील मीन्स महसूस करना, खुश. जब हम घर को डेकोरेट करते हैं, तो हम खुद को क्या करते हैं, खुश महसूस करते हैं. इफ आवर होम इज क्लीन, यदि हमारा घर कैसा हो, साफ और स्वच्छ हो. वी यूज फ्लावर्स, लीव्स, लाइट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स फॉर डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन फेस्टिवल्स. वी यूज, हम उपयोग लेते हैं. फ्लावर्स मीन्स फूल को, लीव्स मीन्स पत्तियों को, लाइट्स मीन्स लाइट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, अलग अलग प्रकार की कुछ चीज़ों को. थिंग्स मीन्स चीज़ें. और डेकोरेटिंग, सजाने के लिए. आवर होम्स, हमारे घर को. ऑन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार. जब कोई त्यौहार होता है, लाइक एज दिवाली, होली, घनघोर, जब ये सब दिवा त्यौहार होते हैं, तब हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं. किससे? फ्लावर्स, लीव्स, लाइट्स एंड अदर वेरियस थिंग्स. करते हो आप भी? करते हैं ना?
यस, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, सबके घर में करते हैं. सो व्हाट वी सी इन दिस फर्स्ट पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? अ वेल डेकोरेटेड रूम आफ्टर क्लीन आवर हाउस आवर रूम. तो ये आपको साफ सुथरा वेल डेकोरेटेड रूम दिखाई दे रहा है साफ सफाई के बाद. यू कैन सी दिस सोफा एंड फ्लावर्स टेबल, सब अपने पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है. तो वेल डेकोरेटेड रूम आफ्टर क्लीन आवर होम. नेक्स्ट वन पिक्चर इज शो एंड डेकोरेटेड रूम, डेकोरेटेड होम बाय फ्लावर्स एंड लीव्स. तो यहाँ पे घर को किससे डेकोरेट किया है? फ्लावर्स एंड लीव्स से डेकोरेट किया है. एंड नेक्स्ट वन पिक्चर शोन इज दीज आर कॉल्ड रंगोली. इसे क्या बोलते हैं? रंगोली. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूजेज इन डिफरेंट शेप एंड साइज. तो इस पिक्चर में एक रंगोली दिखाई देती है. जब दिवाली पे हम घर पे घर के आगे रंगोली वगैरह बनाते हैं डेकोरेट करने के लिए, रंगोली बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो ना? तो वैसे ही यहाँ पे घर को डेकोरेट किया है किसके लिए? रंगोली से डेकोरेट किया है. यू कैन रिमेन हेल्दी इफ योर सराउंडिंग्स आर ऑल्सो क्लीन. यू कैन, आप सकते हो. रिमेन हेल्दी, आप स्वस्थ रह सकते हो. इफ, यदि आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ क्या हो? साफ हो. ऑल्सो क्लीन, तो हम कब स्वस्थ रह सकते हैं? जब हमारे आसपास का एरिया भी क्या हो? साफ हो, तब हम स्वच्छ रह सकते हैं. नेक्स्ट, क्लीन नेबरहुड एंड क्लीन पब्लिक प्लेसेस. क्लीन मीन्स साफ, नेबरहुड मीन्स पड़ोसी. नेबरहुड मीन्स हमारा पड़ोसी, हमारे पड़ोस का एरिया. एंड क्लीन पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे सभी लोग यूज करते हैं उस जगह को, उस जगह को क्या कहते हैं? पब्लिक प्लेसेस. क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता ऑफ पब्लिक प्लेसेज, जहाँ सब जगह उस जगह को, सब लोग उस जगह को यूज करते हैं उसे बोलते हैं पब्लिक प्लेसेज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो स्वच्छता है वह इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए? पब्लिक प्लेसेज, क्योंकि उस वह जगह जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते हैं, उस जगह को सभी लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे सबकी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उस जगह को सभी को साफ सुथरा रखना चाहिए. दीज प्लेसेज शुड ऑल्सो बी जर्म फ्री. दीज प्लेसेज कौन से है? पब्लिक प्लेसेज शुड होने चाहिए जर्म फ्री, रोगाणु से मुक्त होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी गार्बेज डर्ट और शिट देयर. देयर शुड नॉट, वहाँ क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी गार्बेज. गार्बेज मीन्स वहाँ कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए. डर्ट मीन्स गंदगी नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? गंदगी नहीं होनी चाहिए. एंड शिट देयर, और वहाँ पे कोई भी नहीं बैठना चाहिए. रोड्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, मार्केट एक्सेट्रा आर पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से होते हैं? रोड, रोड पे सभी लोग चलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, सब लोग चलते हैं, तो ये कैसा है? पब्लिक प्लेसेस. बस स्टैंड, बस स्टैंड पे भी सब लोग आते जाते हैं. अदर सिटीज़ के भी आते हैं, हमारी सिटीज़ के भी होते हैं, होते कि नहीं? वैसे रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में सब लोग यूज़ करते हैं इन जगह को, तो ये क्या है? पब्लिक प्लेसेस. सो वी हियर व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में अ हट, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, जिसको बाहर क्या डेकोरेट किया है? अ फ्लावर एंड अ एनिमल डेकोरेटेड ऑन द वॉल ऑफ हट. एंड हियर दिस इज सीन इन अ पब्लिक प्लेसेस. दीज सम पर्संस आर सिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस. तो ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए. रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नेक्स्ट,
Large dustbins are kept at these places by local authorities. Large dustbins means बड़ा कचरा पात्र. Dustbins means कचरा पात्र. Kept means रखना चाहिए. These places means public places पे. By local authorities, वहाँ के सभी local को अधिकार होता है. तो क्या अधिकार होता है वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों का, कि वहाँ पर उन places पे एक बड़ा डस्टबिन रखना चाहिए. वी शुड पुट आवर गार्बेज इन द डस्टबिन्स ओनली. वी शुड हमें करना चाहिए, पुट मीन्स रखना, आवर गार्बेज को, कचरे को, इन डस्टबिन्स ओनली. तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे जो भी कचरा वगैरह होता है उसको कहाँ डालना चाहिए, पुट मीन्स रखना चाहिए. कहाँ पे, ओनली डस्टबिन्स, केवल कचरा पात्र में. ये डस्टबिन्स दिखाई दे रहे हैं, लार्ज डस्टबिन्स कैप्ट इन पब्लिक प्लेसेस एंड अ स्वीपर क्लीन आवर नेबरहुड एरिया एंड पब्लिक प्लेसेस एंड दीज गार्बेज आर पुट इन डस्टबिन्स. इसको कहाँ डालते हैं, ओनली डस्टबिन में डालना चाहिए. आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ क्लीनलीनेस कंपेरिजन टू मेक आवर कंट्री क्लीन. आवर गवर्नमेंट मीन्स हमारी सरकार. गवर्नमेंट मीन्स सरकार. हैज स्टार्ट मीन्स शुरू किया है. क्लीनलीनेस कंपेरिजन. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता अभियान. क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता एंड कंपेरिजन मीन्स अभियान. तो हमारी सरकार ने क्या शुरू किया है, एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है जिससे मेक आवर कंट्री क्लीन. जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री, हमारा देश कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा. तो हमारे सरकार ने एक स्वच्छता का अभियान शुरू किया है. पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने क्या यूज किया है, क्या स्टार्ट किया है, स्वच्छता अभियान किया ना. हैव यू हियर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान. हैव यू सुना, क्या आपने, हियर मीन्स सुनना. तो क्या आपने सुना अबाउट के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान. तो क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना आप लोगों ने. ओके, हमारे घर के बाहर कचरे की गाड़ी आती है, वो गाड़ी क्या बोलती है, स्वच्छ भारत अभियान बोलती है ना. We can stay healthy only if we are clean and our surroundings are also clean. If we can stay, हम रह सकते हैं क्या, healthy. Healthy means स्वस्थ, हम स्वस्थ रह सकते हैं. कब, यदि. If means यदि. We are clean, जब हम साफ होंगे. और our surroundings are also क्लीन, जब हम साफ होंगे और हमारे आसपास का एरिया जो होता है वह भी साफ होगा, तब ही हम स्वस्थ रह पाएंगे. इसीलिए हमारे घर के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए. पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी क्लीनलीनेस बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. पर्सनल क्लीनलीनेस मीन्स हमारे खुद की, स्वयं की स्वच्छता. मीन्स हमारी बॉडी से रिलेटेड स्वच्छता. डेली नहाना चाहिए, टेक ब्रश आवर टीथ, डेली नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, वॉश योर हैंड्स. ये सब क्या है, हमारी पर्सनल क्लीनलीनेस. एंड कम्युनिटी क्लीनलीनेस मीन्स जहाँ पब्लिक प्लेसेस पे स्वच्छता होनी चाहिए वो होती है कम्युनिटी क्लीनलीनेस. बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, या दोनों क्या है, बराबर महत्वपूर्ण है. लेट्स मेक आवर कंट्री क्लीन एंड ग्रीन. तो इससे क्या बनाएंगे, मेक मीन्स बनाएंगे, हमारे देश को साफ एंड हरा भरा, स्वच्छ बनाएंगे. अ डिजाइन ऑफ होम इज गिवन बिलो. कलर एंड डेकोरेट दिस हाउस आर एज पर योर लाइकिंग. तो व्हाट वी सी इन दिस पिक्चर, दिस पिक्चर शो एंड स्वच्छ भारत अभियान. एक कदम स्वच्छता की ओर. ये लोगो किसका है, स्वच्छ भारत अभियान का. किसका है, स्वच्छ भारत अभियान. और डिजाइन, एक डिजाइन दे रखी है होम की, घर की. ये गिवन बिलो, तो नीचे घर की डिजाइन दे रखी है. उसको क्या करना है,
कलर करना है उसमें कलरफुल कलर फिलअप करने हैं एंड डेकोरेट उस घर को सजाना है हाउस को एज पर योर लाइकिंग जैसा आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे इस घर में क्या लिखा है, इस घर में इस घर को डेकोरेट करना है और कलर करना है जैसा आप पसंद करते हो। ओके, अपने अपने बुक में फिलअप करना। सो हियर आवर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, we learn how to be safe and clean and stay healthy। हम कैसे साफ और स्वच्छ रह सकते हैं और हमें कैसे रोगों से मुक्त रहना चाहिए। healthy means स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे, what mean of personal hygiene, personal hygiene क्या होती है, हमारे खुद से related, खुद को क्या करना चाहिए, रोगों से मुक्त रखना चाहिए। प्रॉपर वे में वॉश योर हैंड्स एंड नेवर गो टू ओपन एरिया फॉर पॉटी। यूज अ फ्रेश एंड क्लीन टॉयलेट एंड आफ्टर यूज ऑफ डेफिकेशन वॉश योर हैंड्स विद सॉप्स एंड हाउ वॉश योर हैंड्स, हाथों को कैसे धोना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम जर्म्स फ्री हो सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान क्या होता है, यह हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। सो हियर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।